हे गाइस, वेलकम टू किचन फैंटेसी। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल सिंधी डिश जिसका नाम है माजून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप उड़द की दाल को मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। देखो, ये अच्छी तरह से फूल चुकी है और आसानी से टूट रही है। तो अब इसका ये जो पानी है हम ड्रेन आउट कर लेंगे और इस दाल को हम पीस लेंगे। हमें पानी पूरी तरह से ड्रेन आउट कर लेना है। देखिए, मैंने इस तरह से कर लिया है और इसको हमें दर दरा पीस लेना है। आपकी दाल अगर अच्छी भीगी हुई हो तो फटाफट पिस जाती है, वरना आप एक चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हो, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी दाल पिसने पर। और जब आप उंगली से आप चेक करें आपकी दाल को, तो हल्का दाना महसूस होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और उसमें मैं डाल दूँगी एक कटोरी देसी घी। ये घी जो मैंने लिया है वेट में करीब 250 ग्राम है। और इसमें अब हम डाल देंगे हमारी ये पिसी हुई दाल और इसको हम भून लेंगे। काफ़ी थिक और स्टिकी है ये दाल। शुरू में आपको 5 से 7 मिनट तक कठिनाई होगी इस दाल को भूनते हुए, क्योंकि काफ़ी स्टिकी होती है, ये तले में लग जाती है। तो आपको खुरचते हुए भूनना होगा इस दाल को ताकि ये इवनली भुन जाए आपकी दाल। शुरू के 5 से 7 मिनट ही सताएगी आपको ये दाल, बाद में ये सेट हो जाएगी तो ये नहीं चिटकेगी। देखो, मुझे भूनते हुए 12 मिनट हो चुके हैं। आप चाहें तो नॉनस्टिक वेयर भी यूज़ कर सकते हो। ये सारा काम आपको लो फ्लेम पर ही करना है। और जैसे जैसे दाल को आप भून रहे हो तो इसकी जो गुटलियाँ हैं इसको भी आपको तोड़ते रहना है ताकि जो दाल है अच्छे से भुन जाए। इस दाल में से अब अच्छी महक आने लगी है और इसको हम 20 मिनट तक भूनेंगे। देखिए, मुझे 20 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया खुशबूएं आ रही है मेरे किचन में। चलिए बाकी के इंग्रेडिएंट्स पर नज़र डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम छुआरे ले लिए हैं, येलो वाले जो आते हैं। साथ ही मैंने ले ली है 4 छोटी इलायचियाँ, इन दोनों को मैं इकट्ठा पीस लूँगी। 100 ग्राम काजू है, 100 ग्राम बादाम है, 50 ग्राम सूखा नारियल है, 50 ग्राम किशमिश है, ये 250 ग्राम चीनी है और ये 0.5 लीटर फुल क्रीम दूध है। इसके अलावा भी मैं ज़रूरत पड़ी तो और दूध यूज़ करूँगी। देखिए, ये दाल बिल्कुल परफेक्टली भुन चुकी है और इसका कलर भी काफ़ी प्यारा आया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये दूध और इसको हम उबाल लेंगे। इस दाल में बिल्कुल भी कच्ची स्मेल नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपरली आपने भूनना चाहिए इसको। यही की सीक्रेट है इस रेसिपी का और एसेंस है इस रेसिपी की। और मुझे ये रेसिपी बनाते हुए काफ़ी गर्व और खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि ये जो रेसिपी है ये मेरे दादी की रेसिपी है। बचपन से लेके जब तक दादी थी तब तक एक भी विंटर मैं नहीं समझती हूँ हमने ये रेसिपी मिस की होगी। दादी हर विंटर में बनाया करती थी इस रेसिपी को और बड़े चाव से सबको खिलाती थी। आप भी एक बार इस विंटर में ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। देखें, इस दूध में अच्छा उबाला आ चुका है और ये थिक होने लग गया है और जो दाल है वो दूध को अब्सॉर्ब कर रही है और काफ़ी गाढ़ा होने लग गया है। अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे हम ये पिसे हुए छुआरे। छुआरे और इलायची मैंने इकट्ठा पीस लिए थे। अब इसको हम अच्छे से घुमा लेंगे। और हाँ, जब आप ये माजून पका रहे हो तो साइड्स को क्लीन करते हुए करछी को चलाएं और इसको पकाएं। इससे क्या है कि आपका वेस्टेज भी नहीं होगा, आपका बर्तन भी क्लीन रहेगा और मोरोवर आपकी चीज़ जो है उसका टेस्ट बिगड़ेगा नहीं। ये ट्रिक भी मेरे दादी की है, उन्होंने ही हमको सिखाया था बचपन में। सिर्फ माजून ही नहीं, बट हर चीज़ आप जब बनाएं तो आप इस तरह से पकाएं कि आपका बर्तन भी ख़राब ना हो, आपकी चीज़ भी वेस्ट ना हो। देखें, ये काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। मुझे ये काफ़ी थिक लग रहा है क्योंकि इसका दूध अब्सॉर्ब हो चुका है, तो मैं इसमें एक कप दूध और डालूंगी। अब हम इसको अच्छे से घुमा लेंगे और इस स्टेज पर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए बादाम और ये किशमिश ताकि ये दोनों अच्छे से पक जाएं।
सर्दियों में आपको ड्राई फ्रूट ज़रूर कंज्यूम करने चाहिए और उससे बनी जो रेसिपीज़ है वो भी कंज्यूम करनी चाहिए, क्योंकि रिच और हेल्दी होने के साथ साथ ये हैवी भी होती है, तो ये हमारे बॉडी में हीट जनरेट करती है हमें सर्दियों से बचाने के लिए और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कम या ज़्यादा, और जो ना पसंद हो वो हटा भी सकते हो। अब हम इसको ढककर पकाएंगे करीब 5 मिनट तक। अब हम इसको खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए काफ़ी थिक हो चुका है। और ये दाल और ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है। और हाँ फ्रेंड्स, फिर से एक बार रिमाइंडर दे देती हूँ, हमें ये पूरा काम जो है लो फ्लेम पर ही करना है। याद रखें, सब्र का फल काफ़ी मीठा होता है ना सच्ची बात। अब हम इसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल और काजू, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चीनी, ताकि आपका ये जो सब्र का फल है वो मीठा हो जाए। अब हम इन सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स, वो भी बहुत प्यार से। काफ़ी रिच और हेल्दी होती है ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस विंटर। अपने बच्चों को, फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर खिलाएं। हम सिंधियों की जो रेसिपी होती है काफ़ी स्पेशल मानी जाती है, और बेटियों के घर ज़रूर भेजते हैं हम इसे बनाकर हर सीज़न में। अब हम इसको ढक कर पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक। देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी हद तक रेडी लग रही है ये डिश हमारी। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे, और ये न्यू मदर्स को भी दिया जाता है, उनके लिए भी काफ़ी हेल्दी मानी जाती है ये डिश। इसमें मॉइस्चर अभी बाकी है तो मैं इसको थोड़ा और भून लूँगी। अब इस स्टेज पर मैं डाल दूँगी इसमें 2 चम्मच खसखस, आप चाहें तो अवॉइड करें, चाहें तो डालें, टोटली आपकी चॉइस है। इसमें थोड़ी कसर अभी बाकी है तो हम 5 से 7 मिनट इसको और भून लेंगे। काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। काफ़ी यूनिक है ये डिश हम सिंधियों की, और दाल को हेल्दी भी माना जाता है हेल्थ के लिए। देखें इसमें ऑयल रिलीज हो चुका है, तो रेडी हो चुका है हमारा ये जो माजून है। आप ज़रूर बनाएं और अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, आप मेरी कढ़ाई का तला भी देख लीजिए, काफ़ी क्लीन है। देखें आप भी इसी तरह से बनाएं तो काफ़ी टेस्टी बनेगा आपका माजून। देखें कितना क्लीन है, तो है ना ये बढ़िया ट्रिक। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे पिस्ते की कतरन, ताकि इसकी खूबसूरती और बढ़ जाए। तो चलिए इसको अब टेस्ट करने की बारी आ चुकी है, आप भी टेस्ट कीजिए। ये रहा आपके लिए एक बहुत ही प्यार भरा बाइट। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सर्व विथ लव एंड डू सब्सक्राइब टू किचन फैंटेसी। और हाँ, ये रहा वो दादी वाला डब्बा जो दादी हमें भेजती थी।